एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ओके, वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3, व्हिच सजेस्टेड दैट द एटम वाज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल। मतलब जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो एटम जो होता है वो क्या होते हैं, उसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको हम मतलब क्या कर सकते हैं, खत्म, इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब उसकी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसाइड द एटम लीड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का क्या एस्पेक्ट था कि मतलब जो एटम जो है वो इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, तो मतलब ये मतलब जो उसके जो ये दो एस्पेक्ट थे, मतलब उनकी थ्योरी का जो बेस था वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों हो गया था कि मतलब मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ये पता कर लिया था कि जो एटम्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहते हैं। और जब भी हम क्या करेंगे कि जब उस एटम को आप क्या दोगे, एनर्जी दोगे, तो वो क्या होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उस एटम को छोड़ के मतलब बाहर भी जा सकते हैं, या फिर हम उसको इतनी एनर्जी दे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ भी सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के जो इंडिविजिबल जो मतलब जो उनका जो बेस था ना, कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी पार्टिकल्स जो था उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एनर्जी देने पे मतलब ऐसा पॉसिबल हो गया था कि हम एनर्जी देके मतलब किसी भी एटम से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। तो उनका ये जो एस्पेक्ट था ना वो फेल हो गया था। क्लियर? तो ये इसका जो मतलब डाल्टन एटोमिक थ्योरी का क्या था, ये डीमेरिट्स थे। क्लियर? इट वॉज देन कंसिडर नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स आर अरेन्ज विद इन एन एटम फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी जेजे मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटोमिक मॉडल्स। जेजे थॉम्सन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज मॉडल्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब क्या हो गया था कि जो एटम्स थे उसके अंदर हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दो सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जितने सारे के जो सारे साइंटिस्ट थे ना, वो मतलब मतलब ये एक्सप्लेन करने के अंदर लग गए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटम के अंदर जो होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या दिया, एटॉमिक मॉडल्स दिया। तो मतलब पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम का मॉडल प्रेजेंट किया वो थे जे जे थॉम्सन। ओके, तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है इस पैराग्राफ में से। एक तो आपको यहाँ बताना है कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है उसके डीमेरिट्स बताना है आपको यहाँ पे, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा यहाँ पे कि जो एटम का जो फर्स्ट मॉडल जो दिया था वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो आपको क्या नाम लिखना है, जे जे थॉम्सन। ओके, क्लियर? अब हम देखते हैं कि थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉम्सन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग। मतलब जो थॉम्सन, जे जे थॉम्सन जिन्होंने एटम का सबसे पहला मॉडल दिया था, उन्होंने एटम की कंपैरेटिवली स्टडी किससे करी थी, क्रिसमस पुडिंग से करी थी। क्रिसमस पुडिंग, ओके, मतलब एक स्वीट जैसी होती है, गोल स्वीट आप इसको समझ लीजिए जो क्रिसमस पे बनाई जाती है। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट उन्होंने कैसे समझाया कि मतलब जो मतलब जो पूरा का पूरा जो बेस जो होता है उस मतलब जो एटम जो होता है उसका जो साइज शेप कैसा होता है, स्फीयर होता है, और उस स्फीयर का पूरा जो बेस जो है ना वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? ये उन्होंने बताया था। ओके, और अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को कैसे समझाया कि जैसे मतलब उस पुडिंग के ऊपर, उस स्वीट के ऊपर जैसे ड्राई फ्रूट लगे रहते हैं ना, तो वो उसका कंपैरिजन किससे किया, इलेक्ट्रॉन से किया था। ओके, तो मतलब कुल मिला के उन्होंने क्या बताया कि जो एटम जो होता है वो एक स्फीयर जैसा होता है, और स्फीयर का जो बेस जो होगा वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, ड्राई फ्रूट की जैसे क्या रहते हैं, एम्बिगेट रहते हैं। क्लियर? क्रिसमस पुडिंग। वी कैन ऑल्सो थिंक अ वाटरमेलन, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीड इन द वाटरमेलन। फिर उन्होंने क्या करा था कि जो एटम की जो मतलब कंपैरेटिवली स्टडी करी थी ना, तो इन्होंने एटम को समझाया था कि एटम जो होता है वो आप उसको मान लीजिए क्रिसमस पुडिंग जैसा, या फिर आप उसकी कंपेयर मतलब आप उसका कंपैरिजन वाटरमेलन से भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो वाटरमेलन के अंदर जितना भी रेड मतलब जो खाने वाला जो पार्ट होता है ना, उसको उन्होंने क्या किया था, मतलब वो बताया था कि वो पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके,
और मतलब प्रोटॉन की जैसे क्या करता है वो, रेड एडिबल पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और वो किसकी तरह ट्रीट करेगा, प्रोटॉन की जैसे ट्रीट करेगा, क्लियर। और जो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, सीड्स जो होते हैं वाटरमेलन के अंदर, वो क्या होंगे, उसके अंदर क्या रहते हैं सीड्स का कंपेयर, सीड्स को उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स बोला था। ओके, तो ये उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोले, और मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके अंदर क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, क्लियर। तो ये उनका जेजे थॉमसन मॉडल था। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि एटम जो था वो एक स्फीयर जैसा है, और इसके अंदर ये जितना भी एम्प्टी पोर्शंस जो आप देख रहे हैं वो सब उन्होंने बोला वो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो उसके सीड्स जो होते हैं या जो ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो क्या है उनका, मतलब वो क्या रहते हैं, मतलब जैसे क्रिसमस पुडिंग के अंदर एम्बेडेड रहते हैं ड्राई फ्रूट, और वाटरमेलन के अंदर सीड्स जैसे एम्बेडेड रहते हैं, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर क्या रहते हैं, घसे हुए रहते हैं, मतलब घुसे हुए रहते हैं। तो ये जे थॉमसन का मॉडल था। अब यहाँ पे उनकी थोड़ी हिस्ट्री बताई गई है कि जे थॉमसन ब्रिटिश साइकिस्ट, फिजिक्स मतलब फिजिक्स से रिलेटेड थे, वॉज बोर्न इन चीतम हिल सबर्ब ऑफ मैनचेस्टर ऑन 18 दिसंबर 1856। ही वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज इन फिजिक्स इन 906 फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी इन द कैम्ब्रिज फॉर 35 ईयर्स, एंड 7 ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट सब्सिक्वेंटली वॉन नोबल प्राइजेस। मतलब जे थॉमसन का भी बहुत, मतलब उन्होंने, उनको नोबल प्राइज मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने क्या करी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आपको बताना है जे थॉमसन ने करी थी। अब उन्होंने मतलब ऐसे तो हमें बता दिया था, मतलब अपना मॉडल्स जो है उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था, क्रिसमस पुडिंग से किया था, वाटरमेलन से किया था, लेकिन उन मतलब उस बेस पे उन्होंने अपने क्या पोस्टुलेट रखे, मतलब क्या इमेजिनेशंस रखे एटम मॉडल्स के बारे में, तो ये थी कि कोई एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, मतलब जो एटम्स जो होगा उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब जो एटम्स जो होते हैं वो एक स्फीयर शेप में होगा। ओके, और वो पूरा का पूरा जो स्फेयर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर होगा, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, एम्बेडेड रहते हैं, मतलब उसके अंदर घुसे हुए रहेंगे, मतलब जगह जगह पे। ओके, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने ये बताया था कि जो मतलब कोई भी एटम्स जो होगा उसके अंदर जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा वो इक्वल होगा, और उनकी जो वैल्यू होगी वो भी सेम ही रहेगी। क्लियर, तो इस वजह से जो एटम्स जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब कोई भी चार्ज यदि इक्वल होगा तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। तो न्यूट्रल होने की वजह से जो एटम्स जो होगा वो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ऑल्सो थॉमसन्स मॉडल्स एक्सप्लेन दैट द एटम्स वर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल एज वी बिलो। मतलब थॉमसन का जो मॉडल था उसके अंदर यही मतलब मेन बात रही थी कि उन्होंने ये बताया था कि जो कोई भी एटम्स जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। क्लियर, तो मतलब लेकिन दूसरे जो साइंटिस्ट थे, जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो इस जे थॉमसन मॉडल को अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कर, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये कोई खास बात नहीं है, सिर्फ आपको तो ये वाले जो पॉइंट्स जो हैं वो ही क्या करने हैं, बताने हैं। क्लियर, तो ये मतलब ये थॉमसन का मॉडल्स है, तो आपको इससे कोई जानकारी नहीं है। क्लियर, तो अब हम देखते हैं कि जे थॉमसन का जो मॉडल्स है उसको पिक्चर से समझ लेते हैं अच्छे से। ये पिक्चर्स जो है वो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। ओके, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि जो एटम्स जो होता है उसका कंपैरिजन उन्होंने किया था एक तो वाटरमेलन से और या फिर क्रिस्पर पुडिंग से किया था। तो इस पिक्चर्स के अंदर हम समझेंगे कि वाटरमेलन से जो उनका कंपैरिजन था वो किस तरीके से क्यों किया था। तो उन्होंने बताया था कि जैसे वाटरमेलन पूरा स्फेयर होता है ना, वैसे एटम भी क्या होता है, पूरा का पूरा स्फेयर शेप में होता है। क्लियर, पहली बात उन्होंने ये बोली थी। जैसे वाटरमेलन के अंदर ये जो रेड जो पोर्शंस जो आपको दिख रहा है उन्होंने बताया था कि मतलब जितना भी रेड कलर का जो पोर्शन होता है वो एटम के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, ये उनकी दूसरी चीज थी। तीसरा उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उस एटम के अंदर, जैसे वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स जो आप देख रहे हैं
मतलब जैसे सीड्स जो होते हैं वाटरमेलन के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, उसी तरीके से जो एटम्स जो होता है उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है मतलब सीड्स की जैसे ही क्या रहते हैं उसमें एम्बेडेड रहते हैं, मतलब अंदर घुसे हुए रहते हैं। क्लियर? तो उन्होंने ये चीज बताई थी। ये यहाँ पे उन्होंने पूरा ऐसा मॉडल बता दिया कि हर जगह क्या है, मतलब ये मतलब पूरा स्फीयर है, एटम जो है वो स्फीयर की जैसे ही होता है और उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो पूरा क्या रहता है मतलब जितना भी पोर्शन होता है ना उसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर जो होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं। ये उनका मॉडल था। और उन्होंने दूसरी चीज ये बताई थी कि जो पॉजिटिव चार्ज जो होता मतलब होता है और जो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। तो इसकी वजह से जो ऑल ओवर एटम के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। मतलब एटम जो होते हैं उसके ऊपर वो पूरा का पूरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये था जे.जे. थॉमसन का मॉडल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे मतलब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।